हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्प्लिट्स विला का जो हमें अगला डोम सेशन देखने को मिलने वाला है, इसमें ओरेकल के सामने कौन जाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी जानना हो तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप चलिए वीडियो शुरू करते। तो एपिसोड नंबर 22 के अंदर हमें अरवाज, नायरा और हर्ष है जो कि टास्क विनर बनते हुए नजर आने वाले हैं, और ये डोम सेशन में एकदम सेफ साइड बैठे हुए नजर आएंगे। और इनमें से ही किसी को ओरेकल के सामने जाने का मौका मिलेगा। तो हर्ष को ऑप्शन मिलेगा कि वो किसी भी लड़की के साथ ओरेकल के सामने जा सकती है, और उसी तरीके से अरवाज और नायरा को भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो दोनों खुद तो एक आइडियल मैच बन नहीं सकते। तो वहाँ पे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो किसी और के साथ ओरेकल के सामने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और इसके बाद नायरा तो चुनने वाली है दिग्विजय को ओरेकल के सामने जाने के लिए, और अरवाज किसको चूज करने वाले है उसका एकदम कन्फर्म नहीं पता। फिर इसके बाद बात कर लेते कि कौन ओरेकल के सामने जाएगा। तो ज्यादातर लग रहा है कि कोई भी ओरेकल के सामने जाए बट वो एक आइडियल मैच नहीं बनेंगे, पर फिर भी दिग्विजय और नायरा के चांस ज्यादा लग रहे हैं ओरेकल के सामने जाने का, क्योंकि वो दोनों बहुत कम ही चांस है एक आइडियल मैच बनेंगे। और अगले डोम सेशन में भी कम ही चांस लग रहा है कि कोई हमें आइडियल मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर शुभि और हर्ष ओरेकल के सामने चले गए तो भाई वो दोनों कन्फर्म एक आइडियल मैच बन जाएंगे, और इतनी जल्दी मेरे को नहीं लग रहा कि कोई आइडियल मैच बनेगा। तो इस हिसाब से हमें अगले एपिसोड में कोई भी आइडियल मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।